हेलो भाई, कैसे आप सब लोग। मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। तो भाई इसमें एक ऐसा फीचर है जो इसको अपने सेगमेंट से ना सबसे अलग बनाता है। तो भाई इस फीचर को दिखाऊंगा मैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। तो भाई अब चलते वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके सारे फीचर। तो भाई ये है ओडी A6 और ये 2013 मॉडल है। ये 2.0 TDI इंजन, डीजल इंजन है इसमें। तो भाई 2013 में इसमें क्या क्या फीचर्स आते थे वो सारे बताऊंगा मैं आपको। तो भाई किसे स्टार्ट करते हैं, इसकी ऐसी कुछ किविंग जाती थी। यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन के लिए इसको हम होल्ड करके रखेंगे। तो देखो बूट ओपन हो जाता है पूरा। और बूट स्पेस आप देख सकते हो तो कितना डीप है, मतलब आदमी सवाल लो इसमें इतना बूट स्पेस है, इसको इजीली बंद कर सकते हैं। तो भाई गाड़ी काफ़ी लंबी है, मतलब लग्जरी सेडान है। आप लेंथ देख सकते हो उसकी कितनी लंबी लेंथ है और कम्फर्टेबल, फुल्ली कम्फर्टेबल गाड़ी और फीचर से फुल लोडेड गाड़ी है पूरी। पीछे इतने ये टेल लाइट्स, LED टेल लाइट्स हैं, ये ओडी का लोगो मिल जाता है। और भाई इसमें एक ऐसा फीचर है वो आपको मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा जो मतलब अपने सेगमेंट में इसको सबसे अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए भाई। तो अब फ्रंट में और दिखाता हूँ फ्रंट में इसमें कैसे फीचर्स मिलते हैं। पहले साइड में देख लो, यहाँ पे पूरा क्रोम का यूज़ कर रखा है। और ये रिक्वेस्ट सेंसर इसमें चारों डोर से मिल जाते हैं, देखो पीछे भी है। तो भाई अब फ्रंट में दिखाता हूँ। टायर अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके। और टायर साइज है इसका 245/45R18 इंच के अलॉय व्हील्स है इसमें। और प्रोफाइल देख सकते हो 245। भाई फ्रंट से कुछ ऐसी लुक्स है इसकी। और ये है इसकी मैट्रिक्स हेडलाइट्स इसकी, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है अपने हिसाब से। ये हेडलाइट वॉशर है, नीचे पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, आगे भी मतलब फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें चार। एक एरा एक यहाँ पे है। ये पूरी ब्लैक ग्रिल मिल जाती है इसमें, फोग लैम्प कुछ नहीं मिलता बस इसी में। इसकी हेडलाइट्स इतनी भाई वो है ब्राइट कि फोग लैम्प की जरूरत ही नहीं है। एरोटिन वाइपर्स मिल जाते हैं, ऊपर सनरूफ भी है। तो भाई अब चलते हैं अंदर और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। पहले आप भाई इसकी लेंथ देखो कितनी लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी है। और फुल लग्जरी सेडान है भाई, इसमें फीचर फुल्ली लोडेड है, मतलब 2013 में भी इतने ज़्यादा फीचर्स आ जाते थे ना इसमें। तो भाई अब अंदर चलते और दिखाते हैं। तो भाई ऐसा है इसका ड्राइवर साइड डोर, तो मतलब पूरा सॉफ्टेस्ट मटेरियल यूज़ कर रखा है। पहले आप इसका इंटीरियर देखो, अभी फिर दिखाते हैं। पहले इंटीरियर देखो, डुअल टोन में इंटीरियर है इसका। और ये जो पार्ट है ना ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये देख सकते हैं आप, मतलब फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है वो। ये भाई जर्मन गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ड्राइविंग प्लेजर में तो भाई टॉप पे रहते हैं जर्मन गाड़ियाँ। यहाँ पे पूरा लेदर का यूज़ कर रखा है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ पे ये पावर विंडोज के कंट्रोल है, ये ORVM के कंट्रोल है। और भाई ये है इसके मेमोरी फंक्शन, सीट्स के मेमोरी फंक्शन है भाई। तो ऐसी इसकी ड्राइवर साइड सीट है, फुल्ली लेदर राइट सीट्स हैं। पर भाई वो ये इसमें टाइम के हिसाब से ना लेदर में यहाँ पे रिंकल्स पड़ गए तो थोड़ी ख़राब सी लग रही है। और ये पावर लाइट एडजस्टेबल है, देखो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हम इसे। तो अंदर बैठता हूँ और ये देखो इसमें बोस का सिस्टम मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी आवाज़ होगी इसकी। ऐसा इसका कैबिन, वो काफ़ी साइलेंट कैबिन है। पर इंसुलेशन इसकी मतलब जो डीजल इंजन है ना वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है इसका, आती है अंदर तक आवाज़ आ जाती है डीजल इंजन की। तो पहले आप ये देखो लुक्स देखो इसकी, ये लेदर है पूरा, स्टेयरिंग व्हील है। ये ऐसा ओडी का लुक मिल जाता है इस साइड कंट्रोल से, इस साइड भी कंट्रोल से, क्रूज कंट्रोल हमें यहाँ पे मिल जाता है ये रहा। भाई जर्मन गाड़ी है ना, इन्हें उल्टा करते हैं जर्मन गाड़ी है। मतलब इस साइड तो इसके लाइट्स की कंट्रोल है और इस साइड वाइपर की कंट्रोल, तो मतलब इंडिया में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वो ये ना आदत होती है इस साइड से वो लाइट की, तो हम ये कर देंगे तो वाइपर चल जाएगा। तो इसके प्रॉपर लाइट्स की कंट्रोल यहाँ पे, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, तो ऑन करता हूँ भाई। पर यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाता है भाई, अभी स्टार्ट हो चुकी है। म्यूट करता हूँ एक मिनट भाई। ऐसा इसका स्पीडोमीटर और इस साइड RPM मीटर है, इस साइड इसका स्पीडोमीटर, बीच में इतनी बड़ी MID मिल जाती है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो कर देती है भाई MID। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से हम इसको टॉगल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स दे रखे हैं इसके MID के, और इस साइड ये इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। और ये देखो इसके डिफरेंट मोड्स, हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंफर्ट, इंडिविजुअल, डायनामिक, मतलब स्क्रीन के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब काफ़ी प्रीमियम लगती है ये, मतलब यहाँ से आराम से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, और पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ कर रखा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये ऑटो होल्ड का फंक्शन है। और ये रेडियो के लिए बटन दे रखे हैं, हम बंद दबाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा रेडियो वगैरह। तो
तो भाई ये देखो ये है इसका एसी कंट्रोल्स, और फोर जोन एसी कंट्रोल मिलता है इसमें, मतलब ये वाला अपना अलग सेट कर सकता है, टेम्परेचर ड्राइवर अलग, और पीछे वाला मैं भी पीछे जाऊंगा तब आपको दिखाता हूँ। और मटेरियल देखो भाई, फिट एंड फिनिश देखो पूरी, मतलब पूरी लग्जरी फीलिंग आ जाती है इसमें बैठकर। पूरा सॉफ्ट टच है डैशबोर्ड, ऊपर पार्ट ना पूरा सॉफ्ट टच है, देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा वुड वर्क कर रखा है। नीचे वाला ये पार्ट भी सॉफ्ट टच है। और ग्लव बॉक्स देखो, ये थोड़ी सी आवाज़ करने लग गया भाई टाइम के, पर 2013 मॉडल है तो उस हिसाब से, पर इसमें फीचर काफ़ी है उस 2013 के हिसाब से ना, पूरा डीप तक है अंदर तक, यहाँ पे डीवीडी चेंजर आता था तब तो भाई। ये ब्लूटूथ एप्पल कार प्ले आने लग गया, ये ऑटोमेटिक डीमिंग IRVM आता है, और ऊपर है इसमें सनरूफ। ये देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है पर हाँ ठीक है, बढ़िया लगती है, ये देख सकते हो। ब्लाइंड आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये देख सकते हो इसका ऐसा कुछ रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट सेंसर यहाँ पे शो करता है, रियर सेंसर यहाँ पे शो करता है, ये PRNDS लिख रखा है। यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और इसको हम दबाएंगे तो रियर ब्लाइंड ये देखो अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से, रियर ब्लाइंड इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंड है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं पीछे चलता हूँ और पीछे चल के दिखाता हूँ आपके कैसा कम्फर्ट मिलता है पीछे। वही है इसका पीछे वाला रियर डोर, और यहाँ पे एस्ट्री मिल जाती है, ये पावर विंडोज के कंट्रोल है, और देख सकते हो मतलब सेम मटेरियल यूज़ कर रखा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, नीचे भी सॉफ्ट टच, ये पूरा मतलब काफ़ी प्रीमियम लगती है गाड़ी, प्राइवेसी के लिए कर्टेंस भी दे रखे हैं भाई। ऐसी है इसकी रियर सीट्स, तो कंफर्ट लेवल बताऊँ ना तो भाई पीछे वाला बैठेगा तो काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा, मतलब थाई सपोर्ट और लंबार सपोर्ट काफ़ी बढ़िया, पर बीच वाला कहाँ बैठेगा भाई, ये देखो हम कितना, वो ये रियर व्हील ड्राइव सेडान है भाई, ये तो हम तो नहीं है, यहाँ से शाफ्ट जाती है, तो बीच वाला तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, पर हाँ जो दो साइड में बैठेंगे वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। और ये है इसका पीछे के एसी कंट्रोल्स हैं, अभी देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखो ऐसे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपना, ये अलग कर सकते हैं, ये इस वाला इस साइड वाला अलग कर सकते हैं, तो काफ़ी मतलब ये यूजफुल फीचर लगता है। और एक और फीचर दिखाऊँ, वो देखो वो बटन्स है ना, उनको हम दबाएंगे तो ये वाली सीट आगे चली जाएगी, पीछे वाले के लिए ज़्यादा लेग रूम बन जाएगा, और इसको खोलेंगे तो हमारा आर्म रेस्ट आ जाता है नीचे, आर्म रेस्ट कप होल्डर खोलना तो यहाँ पे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो ये कप होल्डर्स आ जाते हैं, कम अंदर डाल देते हैं वापस, और इसको हम उठाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाती है, अपना कुछ स्टफ रख सकते हैं हम यहाँ पे। इसमें देखो कुछ लिख रखा है मैक्स 0.5 kg, ये झेल सकता है, इसको ऊपर कर देते हैं वापस। पीछे भी कर्टेंस मिल जाते हैं, पीछे वाली इलेक्ट्रॉनिक कर्टेंस है, तो काफ़ी बढ़िया ये, और पीछे से लुक्स देखो भाई इसके कैसे। और मैं वो फीचर दिखाता हूँ जिस जो मतलब इस गाड़ी को अपने सेगमेंट से ना सबसे अलग बनाती है, तो भाई वो फीचर बताऊँ जो इसको अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है, वो है इसका ये एयर सस्पेंशन मिलते हैं भाई इसमें, मतलब आप इसकी हाइट अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो, ये देखो अभी आप जा रही है, और मैं यहाँ से इसको डाउन करूँगा तो ये देखो अभी डाउन जाएगी, ये देखो अब ये डाउन जा रही है, मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, तो भाई देखना अभी अप जाएगा कर, ये देखो अब आप जा रही है, ये देखो धीरे धीरे आप जा रही है। एयर सस्पेंशन आते हैं इसमें, चारों सस्पेंशन एयर सस्पेंशन इसके, हम इसकी हाइट अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, देख रहे हो आप जा चुके हैं, अब ये देखो गैप कितना हो गया, तो पीछे वाले में भी गैप देखो, डाउन कर अभी ये डाउन जाएगी, अभी देखना ये देखो डाउन आ रही है। तो भाई ये काफ़ी कूल फीचर है इसको, और काफ़ी बढ़िया, मतलब अपने सेगमेंट में ना यही ऑफर करती है, तो ये फीचर इसको अपने सेगमेंट में सबसे यूनिक बनाता है भाई। तो ऐसी थी ये Audi A6 2013 मॉडल है, और काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी है, मतलब 2013 में भी इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर देती थी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।